हेलो गाइस, आप देख रहे हो द म्यूजिक लैकर यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आपके लिए टेक्निकल और अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक डेल की तरफ से आने वाला लैपटॉप। दरअसल वर्क फ्रॉम होम चला हुआ है, जिसके कारण लैपटॉप्स वगैरह की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि इसी डिमांड के चक्कर में जो इसकी प्राइसिंग है वो भी बढ़ चुकी है। क्योंकि मुझे जब मैं इस लैपटॉप को ख़रीद रहा था तो मुझे लगा कि इसकी प्राइसिंग इतनी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी थोड़ी प्राइसिंग ज़्यादा है। तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि इसकी प्राइसिंग ज़्यादा है या इस प्राइस में ये ठीक है। तो आज है मेरे पास डेल की तरफ से आने वाला इंस्ट्रॉन 15 3593, यानी कि 3593 मॉडल है। तो वीडियो में आज हम जानेंगे किस तरह के फीचर्स के साथ ये लैपटॉप आता है, और इसमें हम किस तरह की वर्किंग कर सकते हैं, और किस तरह के पोर्ट्स वगैरह इसमें हैं, वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो। कुछ इस तरह की पैकिंग में हमें डेल की तरफ से आने वाला ये लैपटॉप देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ इसके मॉडल नेम की, तो इसका मॉडल नेम रहता है डेल इंस्ट्रॉन 15 3593, यानी कि 3593। तो ये मॉडल मेरे पास 3593 है। अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइसिंग की, तो मैंने इसको ख़रीदा है 40,336 रुपये में। तो वीडियो में हम आगे जानेंगे कि किस तरह की फ़ीचर्स के साथ और किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये लैपटॉप हमें देखने को मिल जाता है, किस तरह की इसकी लुकिंग है, वो सभी बातें हम करेंगे वीडियो में आगे। अगर मैं बात करूँ इसकी बॉक्स पैकिंग की, तो आप बॉक्स पैकिंग देख ही रहे होंगे। अगर इस पर स्टिकर वगैरह मैं आपको दिखाऊँ, तो कुछ इस तरह के हमें स्टिकर देखने को मिल जाते हैं, जिस पर सर्विस टैग वगैरह लिखा हुआ होता है, ऑर्डर आईडी वगैरह लिखी हुई है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग इसकी रहती है इस पर प्रिंट हुई हुई 42,893 रुपये। प्राइसिंग तो इस पर काफ़ी लिखी हुई है, लेकिन ये मुझे मिला है 40,336 रुपये में। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं कि किस तरह का हमारा ये लैपटॉप रहता है। तो ये रहे बॉक्स कंटेंट, जो कि हमें बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा पेपर वर्क की, तो कुछ इस तरह का हमें इसमें पेपर वर्क देखने को मिल जाता है, जहाँ से आपको पढ़ के पता चल जाएगा कि किस तरह के फीचर्स के साथ हमें ये लैपटॉप देखने को मिल जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी हमें बात ध्यान ये रखने वाली है कि जो इन्होंने ये पेपर वर्क डाला हुआ है, ये इनके टॉप मॉडल का है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है टाइप सी पोर्ट भी इसके अंदर रहता है, लेकिन हमारे लैपटॉप के अंदर कोई भी टाइप सी पोर्ट नहीं है। ये यूज़र मैनुअल है या पेपर वर्क है, ये टॉप मॉडल का है। बाकी एक और इसमें पेपर वर्क हमें देखने को मिलता है, जिस पर लिखा हुआ है सेफ्टी एंड रेगुलरिटी इन्फॉर्मेशन, जो कि कई लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप इनको पढ़ सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए इन लैपटॉप को यूज़ करने के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बॉक्स कंटेंट की, तो कुछ इस तरह की हमें केबल देखने को मिल जाती है, जिसको हम अपने प्लग वगैरह में आसानी से प्लग कर पाएंगे। उसके बाद इसके अंदर हमें एक अडाप्टर देखने को मिलता है, तो कि कुछ इस तरह का रहता है। अगर मैं बात करूँ इसकी आउटपुट की, तो 45 वाट का ये हमें अडाप्टर देखने को मिल जाएगा, जो हमारे लैपटॉप को आसानी से चार्ज कर सकता है। अगर मैं इसकी पिन के बारे में बात करूं, तो वो ये पतली सी पिन हमें देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छे से हमारे इस लैपटॉप को चार्ज कर पाएगी। बाकी यहाँ पे इसमें एक इंडिकेशन लाइट रहती है, जो कि ग्रीन कलर की ब्लिंक होती है, तो ये भी एक हमें इंडिकेशन लाइट दे देती है कि हमारा चार्जर है वो प्लग हुआ है या नहीं। यहाँ पे इस पर लिखा हुआ है मेड इन चाइना, तो ये भी अभी चाइना से बन के आ रहा है, तो आप देख ही सकते हो। तो इन चीज़ों को अभी रखते हैं साइड में, और बात करते हैं हमारे लैपटॉप के बारे में, जो कि ये रहा। तो ऊपर की तरफ से आप देख रहे हो काफ़ी अच्छी लुकिंग के साथ हमें ये लैपटॉप देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ इसकी बॉडी की, तो प्लास्टिक बॉडी में हमें ये लैपटॉप देखने को मिल जाता है। दरअसल जो ये आप ऊपर की तरफ से पैनल देख रहे होंगे, ये कोई मेटालिक बॉडी में नहीं है, ये प्लास्टिक बॉडी में रहता है। हालांकि जो इसकी फिनिशिंग है वो मेटल के जैसे हमें देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ इस पे ऊपर की तरफ, तो यहाँ हमें एक डेल का लोगो देखने को मिलता है, तो कुछ इस तरह का हमें डेल का लोगो इस पे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ से भी ये सिल्वर और प्लास्टिक बॉडी में रहता है, यानी कि जो इसका कलर है वो ऊपर की तरफ भी सिल्वर है और नीचे की तरफ भी सिल्वर है। मोस्टली जो लैपटॉप होते हैं नीचे की तरफ से हमें ब्लैक ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ये सिल्वर कलर का है, प्लास्टिक बॉडी में है। अगर मैं बात करूँ बैटरी की, तो यहाँ पे जो पुराने लैपटॉप होते थे वहाँ पे बैटरी निकालने के आपको पोर्ट देखने को मिल जाता था, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है बैटरी को निकालने का, यानी कि इसके अंदर जो बैटरी हमें मिलेगी वो इनबिल्ट मिलेगी। उसका अगर मैं बैकअप बताऊं आपको, तो लगभग हमें अगर हम इस लैपटॉप को यूज़ में लाते हैं तो 6 घंटे का बैकअप इन्होंने बोला है। अगर थोड़ा बहुत कम भी करते हैं तो 5 घंटे या 4.5 घंटे का बैकअप हमें लगभग ये दे देगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक ग्रिल दी गई है, जो कि वेंट के लिए रहती है, हवा वगैरह लगने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ बैक साइड में भी वो दी गई है।
अगर मैं चलूँ आगे की तरफ तो यहाँ पे स्पीकर के लिए दो ग्रिल दी गई हैं जिसकी मदद से हम काफ़ी अच्छी साउंड का एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगर मैं बात करूँ इसके स्पीकर की तो काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी के साथ इसके स्पीकर आते हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगे इसकी साउंड क्वालिटी। और यहाँ पे सर्विस टैग वगैरह भी मेंशन किया हुआ है जहाँ से आप गारंटी वारंटी के लिए या फिर डेल स्पोर्ट के लिए कंप्लेंट वगैरह कर पाओगे, तो यहाँ पे वो सर्विस टैग वगैरह रहता है। तो अब मैं इसको रख देता हूँ और अब हम बात करेंगे इसके पोर्ट्स के बारे में कि किस तरह है कि हमें इसमें पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं चलूँ इस साइड में तो यहाँ पे हमें एक चार्जिंग के लिए पोर्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पोर्ट रहता है हमारा HDMI केबल के लिए और उससे आगे के पोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये LAN के लिए एक पोर्ट दिया गया है। नेक्स्ट दो जो पोर्ट हैं वो रहते हैं हमारे पेन ड्राइव वगैरह लगाने के लिए, यानी कि USB पोर्ट। वैसे तो जो इसमें हमें यूज़र मैनुअल मिली है इसमें बताया है कि ये आउटपुट है इसकी 3.1 है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 3.1 है, ये मुझे 2.0 ही लग रहे हैं, क्योंकि जो 3.1 है वो मुझे लगता है इनके टॉप मॉडल में है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एक होल देखने को आप मिल रहा होगा वो 3.5 mm ऑडियो जैक के लिए, यानी कि रिकॉर्डिंग वगैरह करने के लिए या फिर आपको सॉन्ग वगैरह सुनने हो तो आउटपुट के लिए भी ये रहता है। उसके बाद अगर मैं पीछे से दिखाऊं तो पीछे से बिल्कुल ये क्लीन है, यहाँ पे कोई पोर्ट दिया नहीं गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस लैपटॉप को लॉक करने के लिए यहाँ पे एक होल रहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्ट है वो है हमारा USB पोर्ट, ये 2.0 रहेगा। उसके बाद SD कार्ड लगाने के लिए भी इसमें एक पोर्ट दिया गया है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको फ्रंट से, तो फ्रंट भी हमें कुछ और इंडिकेशन लाइट वगैरह नहीं देखने को मिलती, तो दोबारा से वही, तो आपको पता लग गया होगा कि किस तरह के पोर्ट्स हमें इस लैपटॉप में देखने को मिल जाते। तो बाहर की डिटेल का तो आपको पता लग गया होगा कि किस तरह की हमें इसमें डिटेल्स देखने को मिल जाती है, कॉन्फ़िगरेशन या फिर पोर्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम इस लैपटॉप को ओपन कर लेते हैं। तो जो MI ने अभी तो कुछ टाइम पहले लैपटॉप लॉन्च किया था, उन्होंने बोला था कि हम एक फिंगर से ओपन कर सकते हैं, लेकिन इस लैपटॉप को हम एक फिंगर से ओपन नहीं करते, क्योंकि ना एक बार अगर मैं इसको इस तरह से उठाता हूँ तो नीचे की तरफ से ये लैपटॉप उठ जाता है, तो हमें नीचे से एक बार उंगली से इसको दबा के रखना पड़ेगा तभी ये ओपन हो पाएगा। अगर मैं इसके बैक साइड से दिखाना चाहूँ तो इसमें एक पार्ट है जो कि पीछे से कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है, जो कि आप यहाँ से देख रहे होंगे, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई लैपटॉप में हमें कुछ अलग तरीके से ओपनिंग सिस्टम देखने को मिलता है लैपटॉप का, तो कुछ इस तरह का हमें ये अंदर की तरफ से लैपटॉप देखने को मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर देते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले इसके अंदर हमें 15.6 इंच की डिस्प्ले हमें इसमें देखने को मिल जाएगी। अगर मैं उसकी क्वालिटी की बात करूँ तो फुल HD इसमें हमें डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसका रेजोल्यूशन रहता है 1080p। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं वेबकैम वगैरह के बारे में। तो ऊपर की तरफ हमें इसमें वेबकैम देखने को मिल जाता है, उसके साइड में हमें एक माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाएगा ताकि हमें बेटर परफॉर्मेंस मिल जाए। अगर मैं बात करूँ बेजल की तो आप जैसे पुराने लैपटॉप देखते हो कुछ उसी तरह के, इसकी बेजल थोड़ी ही मोटी है, लेकिन जो आजकल लैपटॉप आए हुए हैं उनमें हमें थोड़ी बेजल कम देखने को मिलती है। आगे की तरफ यहाँ पर डेल का लोगो लगा हुआ है या फिर ब्रांडिंग बनाई हुई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी कीबोर्ड के बारे में, तो कुछ इस तरह की इसकी कीपैड रहती है, आप देख ही रहे होंगे। ये रही हमारी कवर्टी कीपैड और इस साइड में हमें न्यूमेरिक कीपैड देखने को मिल जाती है, जो कि हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देती है, क्योंकि हमें नंबर वगैरह यहाँ पर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ से हम आसानी से टाइप कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और ऊपर की तरफ हमें एक पावर ऑन ऑफ़ के लिए बटन देखने को मिल जाएगा, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो ऊपर की तरफ एक बटन दिया गया है जिससे हम इसको ऑन या ऑफ़ कर पाएंगे। बाकी मुझे इसमें कहीं भी कोई इंडिकेशन लाइट नहीं दिखी जब मैंने इसको ऑन किया, सिर्फ कैप्स लॉक में जो लाइट है वो ऑन हो जाती है जब मैं इसको ऑन करता हूँ, तो ये मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी। बाकी हालांकि इसके अंदर एक नोटिफिकेशन लाइट होनी ज़रूरी थी ताकि मुझे पता रहता कि मैंने इस बटन को अच्छे से प्रेस कर दिया है, लैपटॉप ऑन होने वाला है, कुछ इस तरह के लिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी पैड के बारे में। तो यहाँ पे एक जो पैड दी गई है कर्सर को कंट्रोल करने के लिए, उसका साइज़ वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इसका साइज़ है वो छोटा नहीं है, काफ़ी अच्छा इसका साइज़ दिया गया है, क्योंकि 15.6 इंच का लैपटॉप है, साइज़ की तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, काफ़ी अच्छा इसका हमें पैड का साइज़ देखने को मिल जाता है। और नीचे की तरफ दो बटन रहते हैं लेफ्ट और राइट, बीच में एक सेपरेटर बनाया हुआ है जहाँ से पता लग जाता है कि इस साइड हमारा लेफ्ट बटन है और उस साइड राइट है, तो ये हमें अंदाजा मिल जाता है। बाकी यहाँ पे इंटेल कोर i3 लिखा हुआ है 10th जनरेशन
यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है, वो भी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ जो कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी एक साइड में स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है इंस्ट्रोन 15 3000। और अगर इसमें डिस्प्ले की बात मैं करूँ तो इसमें लिखा हुआ 15.6 इंच फुल HD डिस्प्ले, वेबकैम HD, वायरलेस ब्लूटूथ, HDMI, डेल सिनेमा, डेल मोबाइल कनेक्ट, कुछ इस तरह के फीचर्स भी इस पर मेंशन किए हुए हैं। तो ये तो रहा इसका फिजिकल ओवरव्यू, किस तरह के हमें इसमें फिजिकल पार्ट देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हमें प्रोसेसर कौन सा मिलेगा। वैसे तो मैंने यहाँ पे स्टिकर पर जो लगा हुआ है वो बता दिया। तो इसके अंदर हमें i3 10th जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ इस लैपटॉप की रैम के बारे में तो इसके अंदर हमें 8GB की रैम देखने को मिलेगी जो कि रहती है DDR4। अगर मैं बात करूँ इसकी स्टोरेज की तो स्टोरेज के लिए हमें इसमें 1TB की हार्ड ड्राइव देखने को मिल जाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो इसके अंदर जो ग्राफिक है दरअसल वो HD ग्राफिक इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। के बाद इसके अंदर हमें विंडो है जो प्री इंस्टॉल देखने को मिलेगी, विंडो 10 प्लस हमें MS ऑफिस भी देखने को मिल जाता है इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ इसके वेट के बारे में तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा हैवी लैपटॉप वो कैरी नहीं कर पाते, तो इसके अंदर हमें जो वेट है वो 2.02 kg देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसको, दरअसल मैंने बूट पहले ही किया हुआ है ताकि हमें वीडियो बनाते हुए टाइम ना लगे ज़्यादा, तो मैं इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये रही इसकी डिटेल कि इसके अंदर हमें कौन सा प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो ये रहा इंटेल कोर i3 और इसके अंदर जो रैम है वो 8GB है, 7.77GB यूजेबल है। उसके बाद इसके अंदर हमें जो विंडो है दरअसल वो 64-byte ऑपरेटिंग सिस्टम पर वो काम कर रही है और कुछ इस तरह की इसमें अंदर हमें डिटेल देखने को मिल जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये लैपटॉप आता है। दरअसल जो ये इंस्ट्रोन 3593 है यानी 3593 मॉडल है, ये कई वेरिएंट में आता है, जैसे कि 8GB रैम के साथ जो मेरे पास है, 4GB रैम में भी आता है 35,000 रुपये के करीब, और ये SSD के साथ भी आता है मेरे ख्याल से जिसकी प्राइसिंग अप्रोक्स 50 के करीब होगी। तो आपको ध्यान रखना है जब आप खरीदोगे आपको कौन से वाला ख़रीदना है। तो मैंने इसके कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हुए हैं कि जो मेरे पास ये मॉडल है इसको आप किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ में ला सकते हो। तो अगर आपके पास ऑफिस का कोई काम है तब भी आपके लिए बेटर है, मूवी वगैरह देखने के लिए भी क्योंकि इसकी स्क्रीन बड़ी है 15.6 इंच है। उसके बाद अगर आप हल्के फुल्की एडिटिंग वगैरह करते हो, वीडियो वगैरह बनाते हो यूट्यूब के लिए या फिर हल्की फुल्की और वीडियो बनाते हो कोई, और उसके बाद फ़ोटो वगैरह एडिटिंग करते हो तब भी आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद एवरेज सॉफ्टवेयर चलाते हो अगर आप, यानी कि ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है आपका जिसके लिए आपको ग्राफिक्स की जरूरत पड़े, तब भी ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा लैपटॉप। उसके बाद जो हल्की फुल्की गेमिंग होती है यानी कि पबजी वगैरह को छोड़कर जो हल्की फुल्की गेमिंग है वो आप करते हो तो तब भी ये लैपटॉप आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको आइडिया मिल पाएगा कि आपको इस लैपटॉप को खरीदना चाहिए या नहीं। उसके बाद अगर आप इस लैपटॉप को या इनमें जितने भी मॉडल आते हैं इंस्ट्रोन 3593 के, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा ताकि आपको आसानी हो खरीदने में। बाकी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो इनके ऑफिशियल सेलर हैं वहाँ से आपको इसकी प्राइसिंग कम मिलेगी। अगर आप इसको थर्ड पार्टी सेलर से खरीदोगे, जैसे यही मॉडल है अगर मैं इसको थर्ड पार्टी से खरीदता ये 50,000 रुपये का पड़ता, यानी कि 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते मुझे। तो आपको ऑफिशियल सेलर से खरीदना है, मैं वीडियो में शो कर दूंगा कि ऑफिशियल सेलर कौन से रहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आप हैवी लैपटॉप खरीदना चाहते हो वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे कि 60-70 हज़ार रुपये का i5 i7 वाला लैपटॉप, उनके भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा ताकि आपको आसानी रहे खरीदने में उन लैपटॉप्स को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि किस तरह के हमारे ये लैपटॉप आते हैं या किस तरह का ये लैपटॉप है, आपको खरीदना चाहिए या नहीं, या किस पर्पज़ के लिए आपको इस लैपटॉप को खरीदना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो या फिर कुछ मेरे से इस वीडियो में रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका आपको आंसर दे दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही हंसते रहिए, हंसाते रहिए और वीडियो को प्यार देते रहिए।